जय हिंद साथियों, बड़ी खुशखबरी, एफसीआई का एक और बड़ा रिक्रूटमेंट आ चुका। लगभग 5000 के लगभग पदों का रिक्रूटमेंट जो कि ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट है जो कि भारतीय खाद्य विभाग में रिक्रूटमेंट निकला है। अगर आप भी दोस्तों परमानेंटली दोस्तों भर्ती होना चाहते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। काफी अलग अलग और अच्छी अच्छी वैकेंसीज है। 8वीं 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे अलग अलग पोस्टों पर। तो यहाँ पर जानने वाले दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए कब से लेकर कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बात करने वाले कि कौन कौन से पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकला है। साथ ही दोस्तों क्या क्या आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए और आगे आने वाले हर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियल साइट पे है और यहां पर छोटे से बड़े सभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी आप डायरेक्टली यहां से चेक कर पाएंगे। दोस्तों नीचे जाएंगे, अलग से बॉक्स मिलेगा आपका एफसीआई रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन। ग्रेड सेकंड थर्ड और फोर्थ में रिक्रूटमेंट निकला है। टोटल 4710 वैकेंसी रहेगी और यहां पर अलग अलग बात कर लेते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में कि कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जी हां दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें अलग अलग वैकेंसी यहां पर दी गई है। जी हां दोस्तों, अलग अलग वैकेंसी दी गई है। वॉचमैन की भी काफी अच्छी वैकेंसी है, अकेले वॉचमैन की 2154 वैकेंसी है। जबकि अगर बात करें तो डीआर वैकेंसी की बात करें जो आपकी टोटल रहेगी यहां पर लगभग दोस्तों 35 के लगभग वैकेंसी है। वही बात करते हैं दोस्तों कंसोलिडेटेड डीआर की तो यहां पर 2521 वैकेंसी है। यहां पर ग्रेड सेकंड थर्ड और फोर्थ सभी पर ये रिक्रूटमेंट निकला है। ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट है, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात करें इस रिक्रूटमेंट की अलग अलग वैकेंसीज के बारे में तो यहां पर कैटेगरी सेकंड के लिए 35 वैकेंसी है, कैटेगरी थर्ड के लिए 2521 वैकेंसी है और कैटेगरी फोर्थ के लिए 2154 वैकेंसी और टोटल आपकी जो वैकेंसी रहेगी वो 4710 वैकेंसी रहने वाली है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज में आप लोगों को काफी ज्यादा छूट मिल जाएगी। मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम आपकी 28 साल एज होनी चाहिए। मैनेजर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे तो मैक्सिमम आपकी एज 35 साल तक होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए 28 साल, वही स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए 25 वर्ष, टाइपिस्ट हिंदी और वॉचमैन के लिए भी आपकी एज 25 साल तक होनी चाहिए। अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीनियर सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। अगर आप मैनेजर जनरल डिपो मूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आप ग्रेजुएट होना चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप मैनेजर अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सीए आईसीडब्ल्यूए या सीएस आपने की हो या फिर आप बीकॉम की हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो बीकॉम से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैनेजर हिंदी की बात करें तो यहां पर ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। स्टेनो ग्रेड सेकंड की बात करें तो यहां पर ग्रेजुएशन के साथ में ओ लेवल या फिर आपके पास में डोएक का डिप्लोमा होना चाहिए। वही असिस्टेंट ग्रेड सेकंड हिंदी की बात करें तो यहां पर ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। टाइपिस्ट हिंदी की बात करें तो यहां पर भी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जबकि अगर आप वॉचमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं काफी अच्छी वैकेंसी और 8वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे वॉचमैन के लिए। अकेले 2500 के लगभग आप लोगों की ये वैकेंसीज रहने वाली है। यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कुछ पोस्टों का जैसा कि जनरल डिपो मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक इंजीनियरिंग, इन सबका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में इंट्री होगा। जबकि ट्रेनिंग जो मैनेजर है हिंदी उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ में इंट्री होगा। अगर बात करें पोस्ट थर्ड पोस्ट की बात करें तो यहां पर आपका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद में दोस्तों आप लोगों का फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। जबकि वॉचमैन के लिए एक ही टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। यहां से आप दोस्तों सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों शॉर्ट नोटिस यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाते हैं और आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी भी अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो साइट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।